अस्मा, 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 भाई नाश्ता बन गया या नहीं? क्या है कि बच्चों को देर ना हो जाए। सारा, सारा मानी जल्दी से आ जाओ, नाश्ता कर लो। मानी, मानी जल्दी आओ बाहर, अपना व्हाट्सएप बंद करो, अम्मी नीचे वेट कर रही हैं। क्या है यार, आ रहा हूँ, दो मिनट दे दो। जल्दी आना। सारा, अरे फिर ना जल्दी में नाश्ता छोड़ के चली जाएगी ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज बेटा, आज बैठ बैठ। चलो चलो नाश्ता शुरू करो। अरे इस मनोज को तो अपने हाथों से छोड़ दो। अरे अम्मी आपको नहीं पता बहुत जरूरी बात हो रही है। हाँ हाँ तुम्हें ही सब पता है, मुझे तो कोई खबर नहीं है। और मेरी बात सुने, आप थोड़ी देर के लिए इस अखबार का पीछा छोड़ सकते हैं कि नहीं? ये लो भाई, तुम्हारे बच्चों से ज्यादा मैं फरमा बरदार हूं। वो क्या कहते हैं कि जोरू का गुलाम मुफ्त में बनना। बाबा अगर बात मानने का कंपटीशन किया जाए तो सबसे ज्यादा नंबर आप ही को मिलेंगे। हाँ हाँ उड़ाओ मजाक तुम दोनों बाप बेटे मेरा। नहीं हम लोग मजाक थोड़ी उड़ा रहे हैं। वो देखिए ना, आपका लाडला बेटा अभी तक नहीं आया। अरे आ जाएगा वो, तुम तो नाश्ता शुरू करो। मानी, अरे कहाँ है कि बेटा जल्दी आओ। आ गया अम्मा। बेटा आराम से, ठोकरे खाने के लिए पूरी जिंदगी होती है। रोजाना मैं इसकी वजह से लेट हो जाती हूँ। कभी मुझे कहना पड़ता है कि ट्रैफिक जैम था, कभी कुछ कभी कुछ। मैं नेक्स्ट टाइम से तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, बता रही हूँ। अरे कोई बात नहीं बेटा, अगर थोड़ी देर हो जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नाश्ता शुरू करो। अम्मा देखे कितनी खूनखवार नजरों से देख रही है। सारी रात अगर फुटबॉल मैच नहीं देखो ना तो जल्दी सो और जल्दी उठो। सुबह उठते साथ भी फुटबॉल मैच लगा लेता है ये। मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। कहाँ जा रही हो? नाश्ता मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। आ रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़। अरे मानी, अरे बेटा नाश्ता तो कर लो पहले तुम दोनों। देखा आपने, सारा नाश्ता छोड़कर चले गए। तो फिक्र क्यों करती हो, मैं हूं ना, मैं सारे खत्म कर दूंगा। कोई जरूरत नहीं ओवर ईटिंग करने की, बस अपने टोस्ट खाएं। वो क्या है कि एक आध पराठा तो ठीक। तो आपने और आपके बच्चों ने ना बहुत परेशान कर रखा है मुझे। चलो कोई तो है तुम्हें परेशान करने वाला। पराठा, नाश्ता करें आराम से। नहीं नहीं अच्छी चीज नहीं।
आपने बीच में गाड़ी खड़ी कर दी है, पार्किंग खरीद ली है आपने, कोई और गाड़ी नजर नहीं आ रही आपको। अब मेरी तरफ क्या देख रहे हैं, अपना जहाज आगे करें, पहले ही देर हो गई है मुझे। ओके आई एम सॉरी। कुछ लगते है सारा। सारा यार कुछ ही मिनट तो लेट हुई हूँ, देखो देखो जस्ट फ्यू मिनट्स यार, इतना तो चलता है ना। देखो ऊपर से ऑर्डर आ रहा है, सबको कहा जा रहा है वक्त की पाबंदी करो, तो तुम भी कुछ ख्याल करो। हाँ तो सब कर रहे हैं ना वक्त की पाबंदी। देखो मैं तो टाइम पे निकली थी घर से, और लेकिन एक पागल आदमी गाड़ी जो है बीच सड़क पे खड़ी करके, मेरी गलती नहीं, यही है वो आदमी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या कर रही हो तुम? ये वो बॉस के दोस्त हैं, कुछ तो ख्याल कर लो। हद है। रियली फातिमा तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। कितने अरसे के बाद हमारी मुलाकात हो रही है? बहुत अरसे बाद। बस यार बिजनेस के लिए ज्यादातर मुझे बाहर रहना पड़ा, इतनी मीटिंग्स बाहर होती हैं, यहाँ रहने का टाइम ही नहीं मिलता। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, मैं बिल्कुल बेजार हो गया हूँ। सच तो यह फातिमा कि तुमने मेहनत भी बहुत की है। देखो ना आज तुम कितने कामयाब बिजनेसमैन हो, फातिह ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक, ये कोई छोटी बात नहीं है फातिह। इतनी बड़ी अचीवमेंट हर एक के नसीब में नहीं आते। वैसे यार तुम्हारा बिजनेस भी काफी लगता है बढ़ गया है, तुमने काफी नए लोगों को हायर किया है। हाँ माशाल्लाह इस साल हमने बिजनेस भी अच्छा किया और कुछ नए प्रोजेक्ट भी आ गए, इसलिए लोग बढ़ाने पड़े। अच्छी बात है यार, that's good। वैसे ये बताओ कि अब तुम्हारा यहीं रहने का इरादा है कराची में या फिर वापस गांव? नहीं यार तुम्हें पता है बाबा जब से मिनिस्टर बने और इस्लामाबाद शिफ्ट हुए, अब मेरा गांव जाने का कोई फायदा नहीं। अब गांव में किसके लिए जाऊं, कोई नहीं है वहां। एंड यू नो आई हेट पॉलिटिक्स। तुम्हारी शुरू से आदत रही है जनाब। ये तो बताइए कि ये वाली शादी कैसे गुजर रही है आपकी? ये वाली शादी बस यार गुजर ही रही है जैसे शादियां गुजरती हैं। क्या मतलब? महविश भाभी के साथ अच्छे नहीं गुजर रही? क्या हो गया यार, मजाक कर रहा हूँ, खुश हूँ। ओके जानती हूँ मेरी बारी नहीं है, बारी शाहाना की है, लेकिन अगर तुम उसे कहोगी ना कि नफीसा बाजी को बहुत शदीद जरूरत है, तो वो तुम्हारी बात जरूर मान जाएगी, और उसे जरूर ये कहना कि मैं उसे बहुत दुआएं दूंगी। कोई किसी की मुश्किल में काम आता है ना तो अल्लाह ताला उसे बहुत सवाब देता है, सारी जिंदगी खुश रहेगी वो। हाँ
अच्छा ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, तुम उससे बात करके मुझे बताना, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। तुम्हें क्या मुसीबत है? क्या इशारे किए जा रही हो? कौन सा तूफान आ गया है? मैं आ गई मम्मी। अरे अरे मेरी जान, मैं भी, मेरी बुच्ची, कैसी हो तुम? खुश रहो, आबाद रहो, माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही हो तुम। विश्वा जी। हाँ वालेकुम सलाम। हाला खड़ी क्या देख रही हो? जाओ महवेश के लिए अच्छी सी चाय बना के लाओ, दूध पत्ती बना के आना, जाओ जाओ। शाबाश जी जी। हाँ आओ आओ बैठो, तुसी आ जाओ इधर बैठो। तुम इस तरह अचानक आ गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। कैसे पता चलेगा आपको? सारा ध्यान तो आपका फोन पे अपनी दुख भरी दास्तान सुनाने पे था। बहुत दुखी दास्तान थी अम्मी, मुझे रहम आ गया। कितने पैसे चाहिए मुझे बताएं, मैं दे देती हूँ आपको। अरे रहने दो ना, ये तो कमेटी के पैसे लेने के लिए ड्रामा करना पड़ता है। अगर ऐसे ड्रामे ना किया जाए ना तो ये लोग देर से पैसे देते, इसीलिए मुझे ये ड्रामा करना पड़ा। ना तो आपको अपनी इज्जत का ख्याल है ना हमारी, कि किसी और का ना से फातिह का ख्याल कर लेती। मेरी जगह अगर वो सुन लेते तो क्या सोचते? यही ना कि पता नहीं किस भिखारी खानदान में उनकी शादी हो गई है। चलो खैर, फाते ने तो कुछ नहीं सुना ना, और अपना दिल बड़ा करो, छोटी छोटी बातों को बड़ा मत बनाया करो। अम्मी फाते का स्टेटस है, वो एक बड़ा आदमी है। मत भूले ना कि हम नॉर्थ कराची से 2 साल हो गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं, यहाँ डिफेंस में है, लो लाइफ बातें ना किया करें। या मेरे खुदाया, माफ कर दो मुझे, गलती हो गई मुझसे। अच्छा अब अपना मूड ठीक करो, मेरे पास बहुत अच्छी खबर है तुम्हें सुनाने के लिए। क्या? तुम जैसे काबिल और नेक लड़के के लिए रिश्तों की कोई कमी है क्या? ठीक कहा आपने, लेकिन जो भी है अब आप दोनों वहां दोबारा मत जाइए प्लीज। शादी मुझे करनी, मुझे जब करनी होगी मैं कर लूं। वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं। सैया बोलो तनक मोश रहियो ना ही जाए, सैया बोलो। लीजिए चाय। माशाल्लाह अच्छा गाते हैं आप। हाँ, ये राग है पीलो खान साहब, बड़े गुलाम अली खान की ठुमरी है ये। वैसे तौबा है, कितनी चाय पीते हैं आप? तीसरा कप चल रहा है आपका। भई अस्मा, दो चीजों के बगैर मैं नहीं रह सकता, एक तुम्हारी चाह और एक ये चाह है जी। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि उस चाह को चाह में डाल जिस चाह में चाह ना होगा। तौबा है। अच्छा अच्छा ज्यादा बातें मत बनाइए आप। वो आपसे मैं ये बात करना चाह रही थी कि माशाल्लाह से हमारा मानी तो अब अपनी पढ़ाई तो मुकम्मल करने वाला है, अभी साल सवा साल में उसकी पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो क्यों ना हम सारा की शादी कर दें, आप कोई अच्छा सा रिश्ता देखे ना। इतने साल आपने गवर्नमेंट की नौकरी की है, इतने लोगों से मिलना जुलना है, कोई तो होगा ना, आप कहें ना किसी को। क्या मतलब है अस्मा बेगम तुम्हारा? वो क्या है कि लोगों से क्या आप, मतलब के लिए मिलना जाता है, और वो भी शादी ब्याह के सिलसिले में? कमाल करती हो भाई तुम भी। अब रिश्ते नाते तो ऐसे ही बनते हैं ना, किसी से कहा सुना जाएगा तभी तो कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा। मैं कुछ नहीं जानती, बस मैं तो यही चाह रही हूँ कि जल्दी से ना सारा की शादी कर दें। आपके इतने दोस्त अहबाब हैं, किसी से कहिए ना, इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। मैं तो कोशिश कर ही रही हूँ, लेकिन आप भी तो करें ना भाई। वो जिसकी शादी करना चाह रही हो पहले उसकी मर्जी तो पूछ लो, वो राजी भी है इस रिश्ते के लिए कि नहीं। मेरा नहीं ख्याल के अभी सारा इस रिश्ते के लिए राजी होगी। फिर वैसे भी अभी क्या है कि उसे कुछ अरसे के लिए अपने पास रहने दो, उसके बगैर तो हम बिल्कुल अकेले हो जाएंगे।
कह तो आप सही रहे हैं, लेकिन क्या करें, अगर सारे माँ बाप ऐसे ही सोचने लगे तो फिर बेटियों की शादी कैसे होगी। अच्छा अच्छा, देखते हैं। और बस इसके बाद मैं कोई चाय बना के नहीं दूंगी आपको। कोई नहीं, मैं खुद बना के पी लूंगा। तुम्हारी बात 100% मेरे दिल को लगी है। मैं ना आज ही मिसेस सर्वर को फोन करके मना कर दूंगी और उसे कहूंगी कि हमें सिर्फ अमीर घराने की अकलौती लड़कियां दिखाएं, और जिस घर में 5-6 लड़कियां हो ना, वो रिश्ते हमें नहीं दिखाएं, और मामूली घर के रिश्ते तो हमें बताएं नहीं। क्यों, ये ठीक है ना? हाला, तुमने चाय बनाने में इतनी देर कर दी, तेज हाथ चलाया करो, इतनी देर तो नहीं लगाया करो ना काम करने में। जी जी खाला, मैं बाकी काम भी देख लेती हूँ, आप ये ले लीजिए। अच्छा मुझे चाय दो और तुम जाओ किचन देखो। जी खाला। मैं काम देख लेती हूँ। क्या करती हैं आप, ख्याल रखा करें, आप कभी कभी उसके साथ बहुत रूड हो जाती हैं। मुफ्त की नौकरानी समझा हुआ आपने। तो मैं कौन सा जुल्म कर रही हूँ उसके ऊपर? उसे पाला है, पोसा है, खिलाया पिलाया, बड़ा किया, थोड़ा सा घर का काम कर लेती है तो कौन सा जुल्म हो रहा है उसके ऊपर? अच्छा छोड़ें आप, मिसेस सर्वर को कॉल करें, उन्हें बताएं कि हमें इकलौती अमीर खानदान की लड़की चाहिए, हमारी टाइप की। अच्छा ठीक है, करती हूँ। $4,420 हो गया। मेरे पास अभी ₹4,200 हैं। मैं इसमें से एक चीज कम कर लूँ। हाँ ठीक है, आप ऐसा कर लेंगे। एक्सक्यूज मी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप वो सामान रख लीजिए, मैं आपको चेंज दे देता हूँ। आप ये ₹200 प्लीज। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मैडम ऐसा हो जाता है, मुमन आप प्लीज रख लीजिए, कोई मसला नहीं है। मैंने भी आपसे कहा ना कि इसकी कोई जरूरत नहीं। थैंक यू। लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हूँ हमेशा की तरह। सिर्फ अच्छी? बहुत अच्छी लग रही हूँ, कभी ये भी कह दिया करो। अच्छा भाई, बहुत अच्छी लग रही हो बस। थैंक यू। अच्छा वैसे इतना तैयार हो कि जा कर रही हो? आशिर के लिए लड़की देखने जा रहे हैं मैं और अम्मी, बस दुआ करो कि बात पक्की हो जाए। अगर मुझे याद पड़ता है इस महीने में तीसरी दफा है तो माँ बेटी जा रहे हो लड़की ढूंढने के लिए, कोई पसंद नहीं आई अभी तक? वैसे जिस स्पीड से तुम जा रही हो ना,
मुझे लगता है इसी महीने उसकी शादी करके रहोगी तुम। इंशाल्लाह, मेरा एक ही तो भाई है, हम उसके लिए अच्छी से अच्छी लड़की चाहते हैं। और तुम्हें पता है ये फैमिली बहुत रिच है, इकलौती लड़की है। अच्छा, गुड लक। आशीष को फिर मैं मुबारकबाद दे। अरे नहीं प्लीज, अभी तो बात भी नहीं पक्की हुई, फौरी फोन करेंगे आप, थोड़ा सा वेट कर लिया करें। यार तुम्हें पता है मैं चाहता हूँ हर चीज फौरन हो जानी चाहिए, मैं वक्त जाया नहीं करना चाहता। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ जो काम कल करना है वो आज करना है, इसलिए मैं उसको अभी मुबारकबाद देना चाह रहा था। हाउ स्वीट। अच्छा मुझे जाना है, मेरी मीटिंग है। ओके बाय। भाई अब ये किसकी शादी हो रही है? महमूद भाई के बेटे की, पिछले साल निकाह हुआ था ना उसका, कनाडा से स्पेशल आया रुखसती के लिए। अच्छा अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ इंशाल्लाह चलेंगे, जरूर चलेंगे। अब दूर पर एक ही रिश्तेदारी है लेकिन जाना तो पड़ेगा ना। वो खुद से ताकीद करके गए, कार्ड भी वो खुद देके गए। हाँ जरूर चलेंगे, अगले इतवार को है ना। तो छुट्टी का दिन है, सारा और मानी भी फारिग होंगे। सारा तो चली जाएगी लेकिन मानी नहीं जा सकेगा, उसका तो कॉलेज के साथ टूर है ना, आप भूल गए। मानी मेरे हेडफोन्स तुम्हीं ने उठाए, तुम्हारे सिवा ये हरकत घर में कोई नहीं कर सकता। मैं क्यों करने लगा ये हरकत, मेरे अपने 3 सेट पड़े हैं, मैं तुम्हें इतना एक लेके नहीं फिरता। जी और उनमें से 2 खराब भी हैं। तुम्हें कैसे पता? परसों ही देखे थे मैंने। मेरी इजाजत के बगैर मेरी चीजों में घुसती हो, शर्म नहीं आती तुम्हें चोर? माइंड योर लैंग्वेज, तुमसे बड़ी हो, तुम मुझसे बदतमीजी कर रहे हो। फिर दोनों बहन भाइयों की लड़ाई शुरू होगी, एक तो ये बाज नहीं आते। सब प्यार भी तो बहुत है ना दोनों आपस में। मैं देखती हूँ। अरे ये क्या शोर मचा रखा तुम दोनों ने, नीचे तक आवाजें आ रही हैं। अरे शर्म करो, इतने बड़े हो गए तुम दोनों। मम्मी देखे ना, ये मुझसे बदतमीजी कर रहा है, चोर कह रहा है मुझे। ये झूठ बोल रही है। मानी चलो माफी मांगो बड़ी बहन से। माफी? शक्ल देखी है बड़ी बहन की आपने? मानी बदतमीजी मत करो। अम्मा मैं तो कहता हूँ उसकी जल्दी जल्दी शादी करवाएं, ताकि मेरी जान तो छोड़े ये। तुम फिकर नहीं करो, सारी जिंदगी यहीं पे पड़ी रहूंगी। सारा बेटा ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालते, तौबा करो अल्लाह से। मानी मैं बाबा से शिकायत करूंगी तुम्हारी। अरे तो तुम दोनों ने ना मेरे नाक में दम कर रखा है, अब हमेशा उसकी साइड लेती हैं। बहुत ज्यादा खिला दिया उन लोगों ने। घर वाले तो अच्छे लगे लेकिन लड़की का रंग जरा सांवला है। क्या हो गया छोड़े रंग को? अच्छी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आशिर लड़की तो बहुत अच्छी है, हजार हजार गज के 2 बंगले हैं डिफेंस में, एक तो उसको जहेज में देंगे, दूसरा भी उसी के नाम है, इस्लामाबाद लाहौर में फैक्ट्री है, इकलौती लड़की है। क्या बात है। वैसे महवेश तुम वहां लड़की देखने गई थी या फिर उनकी प्रॉपर्टीज की डिटेल लेने? क्या सोचेंगे वो लोग? कोई कुछ नहीं सोचता, ये तुम्हारी गलतफहमी है। आजकल तो लड़की के वालदैन बढ़ चढ़ के बताते हैं कि वो अपनी बेटी को क्या दे रहे हैं, फखर महसूस करते हैं। तुम जैसे काबिल और नेक लड़के के लिए रिश्तों की कोई कमी है क्या? ठीक है आपने, लेकिन जो भी है अब आप दोनों वहां दोबारा मत जाइए प्लीज। शादी मुझे करनी, मुझे जब करनी होगी मैं कर लूं। क्यों भाई, कल वो तुम्हें देखने आ रहे हैं, तुम्हें मिलना होगा हर सूरत। हम भी तो उनके घर गए हैं, फॉर्मेलिटी होती है ना।
तुम जब से पाकिस्तान आई हो ना, तुमने परेशान कर रखा है महेश। क्यों आई हो? अम्मी देख लें आप इसको। अच्छा अच्छा, अब तुम दोनों लड़ना बंद करो। आशिक, एक बार मिल लो लोगों से, फिर अगर तुम्हें पसंद नहीं आए ना तो तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। मेरी खातिर ही सही। देखो, मुझे उन लोगों के सामने शर्मिंदा मत करो प्लीज। और सारा ये हैं मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त, एंड अबव ऑल अब हमारे बिजनेस पार्टनर। हम जो अब नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, पार्टनर हमारा पार्टनर है, और रियली ये मेरे लिए बहुत फखर की बात है। वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं। जबरदस्त फातिक, थैंक यू वेरी मच। इतना बड़ा प्रोजेक्ट तुम्हारे सपोर्ट के बगैर मुमकिन ही नहीं था। सच पूछो तो मेरे अकेले बस की बात नहीं थी। हम सकेंगे, थैंक यू वेरी मच। सच तो ये फातिक के ये कोई छोटी फेवर नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट तुम्हारे अलावा शायद कोई करता भी नहीं। रियली so grateful, thanks a lot, once again thanks a lot. Nahi yaar, we have to work together. Acha yaar, main keh hi raha tha ki ye project shuru hone se pehle main tumhare office ke logon se zara familiarize ho jaau. Sure, why not. Chalte hain. Chal, tani kaise log office mein aane lage hain. Jangir sir bhi mana nahi karte, har koi muh utha ke office mein aa jata hai. डिसिप्लिन ही नहीं है। कौन आ गया? अरे वो गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दिस इज फातिह, और फातिह ये है मिस लाइबा अक्सा अनम, और ये मिस सारा। मिस सारा हमारी ब्रिलियंट स्टाफ मेंबर है, कोई डेढ़ दो साल से काम कर रही है हमारे पास। यस, पूरा ऑफिस सारा ही संभालती है। और सारा ये हैं मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त, एंड अबव ऑल अब हमारे बिजनेस पार्टनर। हम जो अब नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, फातिह हमारा पार्टनर है, और रियली ये मेरे लिए बहुत फखर की बात है। थैंक यू फातिह, थैंक यू वेरी मच। बस अब तो बेचैनी से इंतजार रहेगा कि आप लोग कब कॉल करते हैं। बताइएगा जरूर कि आप लोगों ने क्या फैसला किया। बस हम दोनों आपस में मशवरा कर ले, फिर हम आपको इतला करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके अंकल, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हम स्वीट।
काफी अच्छे लोग हैं। अब इससे ज्यादा मुझसे और कोई तवक्क मत रखिएगा, इस बात को यहीं पे रोक दीजिए। पागल हो गया क्या? कैसी बेवकूफ की बातें करो? अरे इतने अमीर लोग हैं, इतनी जायदाद, बिजनेस, सब कुछ लड़की। अमी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना उनकी जायदाद, ना उनका बिजनेस, ना उनका पैसा। और ये बात तुम भी सुन लो आशिर। आशिर जी, इसकी आदत हो गई है। अरे ये तो काबू में ही नहीं आ रहा। फाते सर बहुत बड़े आदमी हैं। अमी जहांगीर साहब जिस तरह से उनको अहमियत दे रहे थे ना, उससे लग रहा था कि वो काफी इंप्रेस्ड हैं उनसे। फाते ग्रुप ऑफ कंपनी का नाम तुमने पहले सुना होता ना तो पहचान लेती। तो तुम्हारी जनरल नॉलेज इतनी बेकार है जिसकी कोई हद ही नहीं है। तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरी बात के बीच में मत बोला करो, बाबा मना करें इसे। मानी बेटा बहन को तंग नहीं करते। हाँ तो सारा बेटा तुम क्या कह रही थी? बाबा मैं बता रही थी कि उन्होंने हमारी कंपनी में कोई पार्टनरशिप की है बहुत बड़ी, लेकिन मैं उनके साथ अच्छे तरीके से पेश नहीं आई। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में। कुछ नहीं सोचते होंगे। तुम खामखा क्यों परेशान हो रही हो? ये जो बड़े लोग होते हैं ना, ये छोटी छोटी बातों पे ज्यादा तवज्जो नहीं देते। उसे तो याद भी नहीं होगा कि उसने क्या कहा है। ये क्या तरीका है? पार्किंग खरीद लिया आपने, कोई और गाड़ी नजर नहीं आ रही आपको? अब मेरी तरफ क्या देख रहे हैं? अपने जहाज आगे करें, पहले ही देर हो गई है मुझे। सारा भाई जल्दी करो, क्या है कि देर हो रही है। सारा भाई आ भी जाओ।
फूल किसने रखे थे मेरे रूम में? वो मैंने रखे थे। देखो लोग तो हमें ही बातें करेंगे ना कि हम जानबूझ के अपनी बच्ची की शादी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जॉब भी कर रही है और घर में पैसे भी दे रही है खर्चे के। मिसेस सरवर, हमें ना कोई बंगला चाहिए, ना कोई गाड़ी और ना ही कोई जायदाद। आप इस बात को यहीं खत्म कर दें। आपसे रिश्ता है।